इस पूरे पर्यावरण यूनिवर्स दुनिया ये मैथ्स के फॉर्मूलास ऑफ साइंस से जुड़ा है। गणित में गोल्डन रेशियो ही अधिक प्रसिद्ध है। इसका वैल्यू है 1.618। इस छोटे नंबर से हमारा विश्व जुड़ा है। गोल्डन रेशियो यह एक पैटर्न है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ दिखाता है। यह मैटर और एनर्जी की पहचान है। ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और एडवांस टेक्नोलॉजी इस गोल्डन रेशियो के आधार पर ही बना है। इस पर्यावरण में सब चीज हो, वस्तु हो या शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। इस गोल्डन रेशियो से ही हमारा खूबसूरत और सुंदर भी पता चलेगा। आई लर्नर्स, क्या और कैसा 1.68 नंबर आया? हमारे डीएनए से लेकर गैलेक्सी तक क्या गोल्डन रेशियो का कनेक्शन है? क्या फिबोनाची सीक्वेंस है या क्यों प्रसिद्ध हुआ? फिबोनाची सीक्वेंस और गोल्डन रेशियो का क्या कनेक्शन है? क्या है गोल्डन एंगल? कृपया अंतिम तक इस वीडियो को वॉच कीजिए। हमको गोल्डन रेशियो के बारे में अच्छे से जानने के लिए फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पूरी तरह जानना पड़ेगा। यह देखिए, फर्स्ट नंबर तो 0, सेकंड नंबर तो 1, इन दोनों को ऐड करने से आंसर 1 आएगा। उसके बाद फर्स्ट आंसर तो हमको 1 मिला प्लस सेकंड नंबर तो 1, इन दोनों को ऐड करने से 2 आएगा। इसी प्रकार हम इसका उपयोग करेंगे। यह 12th सेंचुरी में डिस्कवर किया था लिनार्डो फिबोनाची के दौरान। वह इटालियन के मैथमेटिशियन थे। अभी यह फिबोनाची सीक्वेंस से हम गोल्डन रेशियो का नंबर भी निकाल सकते हैं। यह सब हमें स्कूलों में नहीं सिखाई दिया। अभी सामने वाले को डिवाइड करने से गोल्डन रेशियो का नंबर आ जाएगा। यह देखिए, 1 / 1 = 1, 2 / 1 = 2, 3 / 2 = 1.5, 5 / 3 = 1.667, 8 / 5 = 1.6। सेम प्रोसेस ऐसे यूज करेंगे अंतिम तक। सब नंबर का एवरेज निकलने से 1.618 आएगा। यही है गोल्डन रेशियो। इट इज डोनेटेड बाय पाई। अभी आपको यह डाउट आ सकता है कि कैसे चीजों वस्तुओं में गोल्डन रेशियो पता चलेगा। यह तीन मेथड सेटिस्फाई करने से गोल्डन रेशियो माना जाता है। फर्स्ट मेथड, दो लाइन लीजिए ए और बी। इन दोनों लाइनों में कौन सा बड़ा और छोटा है? बड़ा वाले तो है और छोटा वाले तो बी। बड़ा वाले डिवाइडेड बाय छोटा वाला इज इक्वल टू गोल्डन रेशियो नंबर। ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू 1.18। सेकंड नंबर, इन दोनों लाइनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय बिग नंबर। यह देखिए, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू 1.618। तीसरा वन, अभी b इक्वल टू 1 होने से a इज इक्वल टू 1.618। इसी मेथड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में भी अप्लाई होता है। इसी कैलकुलेशन से पता चलता है कि यह गोल्डन रेशियो में है या नहीं। हम इस फिबोनाची सीक्वेंस से कैसा ही ड्राइंग आया है देखेंगे। आपको तो फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में पता है। एक यूनिट स्क्वायर निकालो, दूसरा यूनिट स्क्वायर निकालो सेम साइज वाली, दोनों को मिलाने से 2 आएगा। उसी साइज से दूसरा स्क्वायर निकालो, उसके बाद यह 3 स्क्वायर हो जाएंगे। दो स्क्वायरों को ऐड करो, अभी हमको 3 नंबर आएगा। वही साइज से दूसरा स्क्वायर निकालो, उसके बाद 4 स्क्वायर्स फॉर्म हो जाएंगे। अभी दो स्क्वायरों को ऐड करो, हमको 5 आएगा। वही साइज से दूसरा स्क्वायर निकालो। सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा अंतिम तक। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो और उस कॉर्नर्स में ज्वाइन करो, यह शेप हमको आ जाएगा। ध्यान से देखने से यह शेप इस पर्यावरण में पूरी तरह दिखाई देगा। फ्लावर्स में, मनुष्य के कान में, समुद्र के लहरों में, तूफानों में, गैलेक्सी में, यह सब गोल्डन रेशियो के आधार पर ही चल रहा है। आप किसी फूल को देखिए, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 और 51, ऐसे ही दिखाई देता है। फ्रूट्स के सीडों में, पेड़ के ब्रांचों में, यह सब फिबोनाची सीक्वेंस अप्लाई होगा। हमारे हर एक बॉडी पार्ट में सब गोल्डन रेशियो से जुड़ा है। हमारे सिर से लेकर नेवल तक 1 होने से हमारे नेवल से लेकर हमारे पैरों तक 1.618 होगा। यही फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पूरे हार्ट बीट रिदम पे भी गोल्डन रेशियो अप्लाई करता है। यह गोल्डन रेशियो डीएनए में भी दिखा ही देता है। डीएनए बहुत छोटा है, उसे एमस्ट्रॉन्ग में मेजर करेंगे। अभी डीएनए में पूरा सर्कल का लेंथ 34 एमस्ट्रॉन है, ब्रेथ 21 एमस्ट्रॉन है। यह दोनों नंबर फिबोनाची सीक्वेंस में आते हैं। अभी 34 / 21 = 1.618 एंड स्प्रूट।
अभी गोल्डन एंगल के बारे में जानेंगे। टेक गोल्डन रेशियो लेंथ, बी वन होने से ये इक्वल टू 1.6 होना, उसको गोल्डन लाइन बोलते हैं। दोनों हैंड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, एक सर्कल फॉर्म होगा और सर्कल का एंगल 137.5 डिग्रीज होगा। यह गोल्डन एंगल भी पर्यावरण में अधिक दिखाई देगा। तीन पत्तों तीन फूलों में एंगल 137.5 डिग्रीज होगा। गोल्डन रेशियो का प्रयोग पिरामिड्स में, ईफल टावर में, मोनालिसा पेंटिंग में, द लास्ट सरप्राइज पेंटिंग में, फेस सर्जरीज में, फेमस कंपनी लोगोस में यह रेशियो का उपयोग किया गया है। फिबोनाची सीक्वेंस का उपयोग कंप्यूटर एल्गोरिथम्स में, बेटिंग सिस्टम में, स्टॉक मार्केट में, म्यूजिक बनाने के लिए भी उपयोग किया गया है। इस गोल्डन रेशियो उपयोग करके कुछ भी चीज वस्तु बनाने से बहुत फेमस हो जाएगा, जैसे कि सॉन्ग्स, फोटोज, पेंटिंग्स, डिजाइंस। इस गोल्डन रेशियो के आधार पर ही बना है, इसीलिए इन लोग इतना फेमस हो गया। मोनालिसा पेंटिंग्स, ईफल टावर्स, पिरामिड्स, उनके आधार पर ही है। इस गोल्डन रेशियो को डिवाइन प्रोपोर्शन माना जाता है, क्योंकि इस विश्व बनाने के लिए बेसिक फॉर्मूला है गोल्डन रेशियो। इस नेचर और हमारे पृथ्वी इस गोल्डन रेशियो के आधार पर ही बना है, इसीलिए इतना खूबसूरत है हमारा नेचर और हमारा पृथ्वी। आप इस कोटेशन को पढ़िए, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ब्रह्मांड में हर चीज को सफलता होने के लिए उसे गोल्डन रेशियो का अस्तित्व में होने चाहिए, नहीं तो यह विफलित होने के लिए निहित है।